हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इस तरह का टेबल मैट बनाना सीखेंगे। इसे मैंने वूल से बनाया है। आप चाहें तो इसे बनाने के लिए पुरानी चुन्नियाँ या फिर साड़ियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर चार कलर यूज़ किए गए हैं। एक कली में मैंने दो कलर यूज़ किए हैं और दूसरी में भी दो। इस तरह से कलर चेंज करते हुए और अलग अलग कलियों को बनाया है। इसे आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, कितना भी बड़ा। इसके लिए आपको दो दो के जोड़े में फंदे डालने होंगे। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। आपको जितना बड़ा बनाना है उसी साइज़ के अकॉर्डिंग दो दो करके फंदे डाल लें, जैसे कि 20x22। इस तरह से दो दो प्लस करते हुए आपको जितना भी बड़ा साइज का चाहिए उतना इस प्रकार से फंदे बना दें। तो हम इसे जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग फंदे डाल लेते हैं इसमें। ये मैंने दो के जोड़े में फंदे डाल लिए हैं। अब आप उल्टी साइड में आएंगे और इधर से इसका डिजाइन का जो पैटर्न है बीच में, जो दो दो कलर के फंदे हैं, उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, इधर की साइड से दो फंदे छोड़ने हैं और ये जो आगे की नोक वाली साइड है वहाँ पर हमें दूसरे कलर के फंदे दो ऐड करने हैं दूसरे ऊन से। तो देखते हैं, स्टार्टिंग से इसकी उल्टी तरफ से पहली लाइन है। फंदे डालने के बाद में हम यहाँ पर दूसरा कलर जोड़ेंगे। एक कलर से फंदे डाले हैं और दूसरे कलर से बनाएंगे। दो फंदे हम पहले इसके इसी कलर से बना लेते हैं, उसके बाद में कलर जोड़ेंगे। आप चाहें तो स्टार्टिंग से भी जोड़ सकते हैं। देखिए, दो फंदे पीले, उसके बाद में दो मैंने ग्रीन कलर के बनाए। इसी तरह से आपने जो दो कलर लिए हैं उसके दो दो फंदे करके आगे इसी तरह से बनाना है। अब इसके बाद में दो फंदे हम पीले रंग से बनाएंगे धागे को आगे लाते हुए ऐसे। उसके बाद में फिर से कलर चेंज करते हुए दूसरा कलर और दूसरे कलर से दो फंदे फिर से बनाएंगे। तो ये दो दो फंदे का पैटर्न बन जाएगा। बस इसमें कलर चेंज करना है, बाकी उल्टी ही सिलाई इसमें बनानी है। मतलब फंदों को उल्टा करके ही बनाना है, उल्टी बुनाई का। ये इसकी पहली लाइन है और इसी तरह से इसकी आगे की लाइनें भी हम बनाएंगे उल्टी तरफ से। जब हम इसे बनाते हुए बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाएंगे, लास्ट में जितने भी फंदे हमने डाले हैं उन सभी को इसी तरह से बनाते हुए लास्ट के जो दो फंदे होंगे उनको हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो हम इस टेबल मैट को राउंड शेप देने के लिए छोड़ देंगे बिना बनाए। ये इसके लास्ट वाले दो फंदे हैं, इनको हमने नहीं बनाया। किसी भी कलर से हो सकते हैं ये वाले फंदे। तो इस तरह से हम इसकी उल्टी लाइन कंप्लीट करेंगे पहली। अब हम इसकी सीधी साइड में आए हैं। इधर से देखिए, जो ग्रीन कलर के फंदे हैं उन्हें हम ग्रीन कलर के धागे से ही बनाएंगे और येलो कलर के येलो कलर के धागे से। तो इसके लिए हमें बार बार धागे को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आगे की तरफ से देखिए, इसकी दो फंदे ग्रीन से बनाए, अब इस ग्रीन वाले धागे को पीछे करेंगे, नहीं तो ये धागा आगे दिखेगा इसलिए। और अब पीले वाले को आगे ला के उससे पीले कलर के फंदे बनाएंगे। तो इस तरह से हमें हर बार जिन फंदों को बनाना है उसी कलर के धागे को आगे लाना होगा और दूसरे वाले कलर को पीछे। तो इस कलर के बनने के बाद धागे को पहले पीछे भेज दीजिए, उसके बाद में जो इस कलर के फंदे बना रहे हैं उस वाले धागे को आगे लाएंगे। देखिए, इसमें पीला वाला बन चुका है, तो इसे पहले हम पीछे भेज देंगे और उसके बाद पीछे वाला धागा आगे लाएंगे। इस तरह से करते हुए हर बार हर फंदों में धागे को आगे पीछे लाकर सीधी साइड से पूरी लाइन को कंप्लीट करें। इस वाले टेबल मैट को आप जितने फंदे में चाहे बना लें, बस इसी तरह से आपको करते जाना है। तो आप साइज़ के अकॉर्डिंग फंदे कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
इसकी डिजाइन पैटर्न यही रहेगा सेम। काफ़ी इजी है क्योंकि इसमें हमें बार बार फंदों को साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नहीं करना है। दो फंदे छोड़ने हैं लास्ट में, दो दो फंदों का ही ये पैटर्न डिज़ाइन है। अभी देखिए हमने आगे की तरफ से इस पूरी सिलाई को कंप्लीट किया है। अब हम इसकी उल्टी साइड में आएंगे, तो ये एक लाइन जिस तरह से बनी है इसी तरह से इसकी बाकी लाइनें भी बनाएंगे। इधर की साइड से दो दो फंदे छोड़ने हैं और यहाँ से फंदों को चेंज करना है हर एक सिलाई पर। अब देखिए हमारी यहाँ पे नई सिलाई शुरू हुई है दूसरी, तो इसमें हमें कलर चेंज करना है। पीले वाले फंदे को हमने, दो जो फंदे हैं ना पीले स्टार्टिंग के, उनको हमने ग्रीन कलर से बनाया। तो आप ये इस बात का ध्यान रखें कि जो जिस कलर के फंदे हों उस कलर से नहीं बनाना है। दूसरी सिलाई स्टार्ट करेंगे तब उसके दूसरे वाले कलर से जो हमने यूज़ किया उसके बनाना है। अब देखिए ये पीले फंदे हैं तो हमने इसे ग्रीन से बनाया, और ये ग्रीन फंदे आ गए तो इसे हम पीले वाले रंग से बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब दूसरी नई सिलाई स्टार्ट होगी तो हमें फंदे का कलर चेंज करना है, जिससे कि इसका ये जो पैटर्न है ना जिगजैग वो बन जाएगा, अपने आप ही ये ऐसे बन जाएगा। बस आपको यही क्रम बार बार हर एक सिलाई में दोहराना है। तो इस वाली सेकंड सिलाई को भी आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसी तरह से इसकी आगे की सिलाइयाँ आप बनाएंगे। ये देखो यहाँ पर हमने पहले दो फंदे छोड़े थे, अब हम फिर से दो फंदे छोड़ेंगे, तो यहाँ पे ग्रीन कलर के दो फंदे भी छूट गए हैं। कलर यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि कोई सा भी हो सकता है लास्ट में छोड़ने पर, ग्रीन और येलो। अब देखिए सीधी तरफ से मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले वाली सिलाई में, तो उसी तरह से आप इसे पूरी कर लीजिए। अब हम फिर से इसके उल्टी साइड में आ गए, ये तीसरी सिलाई होगी इसकी। तो जैसे हमने दूसरी स्टार्ट की थी फंदों को कलर चेंज करते हुए बनाना है, उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। ये देखिए स्टार्टिंग में ग्रीन फंदे हैं तो हम इसे किस कलर से बनाएंगे, येलो कलर से। ठीक है, आप इसका पैटर्न समझ लीजिए, बहुत ईजी है, जब आप इसे बनाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अभी देखिए पीले बनाए, अब हम ये पीले वाले फंदे आ गए, यानी चार फंदे हमें एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हमें उसे इन वाले फंदों को ग्रीन कर देना है। तो इस तरह से इसकी लाइनें आगे बनाएंगे, इसे लास्ट तक ऐसे ही बनाते हुए ले जाएंगे और लास्ट में फिर से दो फंदे छोड़ेंगे। दो फंदे हमें हर एक सिलाई पर छोड़ने हैं जब तक कि हम बिल्कुल किनारे पर नहीं आ जाते, और किनारे पर आते आते हमारे जो पीछे से जो फंदे छूट रहे हैं वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके किसी और दूसरे कलर से भी हो जाएं, तो वो कोई मैटर नहीं करेगा, आप जैसे भी फंदे बन रहे हैं वैसे ही छोड़ते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए इसको दो दो फंदे छोड़ते हुए पूरा बना लीजिए, यानी कि एक लाइन दो लाइन ऐसे करके दो दो करके यहाँ तक कोने तक पूरा कर लीजिए। ये देखिए पूरे सभी फंदों को बनाने के बाद इस तरह से एक कली पूरी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में हमें दूसरी कली बनाने के लिए दो नए कलर जोड़ने होंगे, तो वो हम उल्टी तरफ से यहीं से जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसके जोड़ने के लिए आपको जो भी दूसरी कलर का कली का कलर चाहिए उस वाली ऊन को लेकर, सिर्फ एक ही कलर की ऊन को लेकर के हमें इन सब फंदों को उस कलर से बना देना है इस वाली लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पर जब कली स्टार्ट करेंगे तो ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमें एक लाइन एक ही कलर से बनानी होगी पहले, उसके बाद में हम दो दो फंदे का पैटर्न शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर जोड़ लिया, आप इसमें नॉट लगाकर अच्छी तरह से यहाँ पर जोड़ लें, नहीं तो ये निकल जाएगा। इस तरह से दबा के या फिर आप इसे पूरी तरह से जोड़ते हुए सभी फंदों को इसी कलर से बना देंगे। ये फर्स्ट लाइन है, पहली लाइन दूसरी वाली कली की। ठीक है, उल्टी तरफ से ही आपने धागा को जोड़ना है। ये जो दो दो करके छूटे हुए फंदे थे उन सबको हम इसी कलर से बनाते हुए आगे जा रहे हैं सेंटर की तरफ, जहाँ पर हम दो दो फंदे छोड़ते हैं उधर की साइड में जा रहे हैं।
ये पूरी लाइन हमें ऐसे ही सादा सादा उल्टा बुनते हुए करनी है। इस लाइन में जितने भी फंदे हैं उन सभी को ऐसे ही बना देना है, और उसके बाद में सीधी साइड से भी उसे देखिए, ये उल्टी साइड से हुई और इधर सीधी साइड से भी से हमें पूरा बुनते हुए यहाँ तक लाना है। तो यहाँ पर जैसे ये ग्रीन की एक लाइन बनी है वैसे ही वाइट की भी बन जाएगी। यहाँ आप देखिए एक लाइन प्लेन बनी हुई है, एक रेड की एक येलो की। जब भी हम कलर चेंज करते हैं तो इस तरह से एक सादा लाइन बन जाती है। ठीक है, तो ये इस पत्ती का पैटर्न हो गया पूरा। अब हम जब इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे तब एक पत्ती पूरी बन जाएगी, और फिर उल्टी साइड से इसका जो दो दो कलर का पैटर्न था वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था उसी तरह से। तो ये पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद आगे आपको उल्टी तरफ से दिखाती हूँ। देखो, सीधी तरफ से बनाने के बाद यहाँ पर हम फिर से इस पत्ती को, दूसरी वाली को, कली को शुरू करेंगे, तो दूसरा कलर अब लगाएंगे हम। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखें, जब आप दूसरी कली बनाएंगे ना तो उसमें एक लाइन बनाने के बाद में अब हम दो फंदे रेड के बनाएं, अब दो फंदे वाइट के बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टार्ट करनी है नई कली। आप चाहें तो रेड कलर से भी पूरा बना सकते थे, किसी भी कलर से आप एक लाइन बना देते, उसके बाद में आपको फिर दो दो करके इस तरह से फंदे का पैटर्न स्टार्ट करना है। अब जब हम दो दो करके फंदे रंग बदलते हुए बुनते हुए जा रहे हैं, अब इसी वाली लाइन में हम दो दो करके सेंटर की तरफ से फंदों को छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरी कली हमारी बनना स्टार्ट हो गई है, और मैं आशा करती हूँ कि आप इसे बहुत ही इजी तरह से बनाना सीख चुके होंगे। इस तरह से इसकी एक कली और फिर दूसरी कली लगातार ऐसे ही क्रम में रंगों को बदलते हुए बनानी होगी। अब ये दूसरी कली जब बन जाएगी, यहाँ पर हमें दो फंदे छोड़ने हैं। ठीक है, तो जब नई कली स्टार्ट होगी तब दो फंदे छोड़ना भी स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये कलियों का पैटर्न बनता रहेगा। अब आप इसे टेबल मैट है उसमें हम इसी तरह से रंग बदलते हुए पूरी कलियां पांच पांच बनाएंगे। उसके बाद में हम जहां पर ये पूरा बनकर तैयार होगा वहां पर सिलाई करके जोड़ देंगे फंदे बंद करके। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ का ये टेबल मैट बहुत ही इजी तरह से बना लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत